हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जनरल नॉलेज क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं, एंड स्पाइसेस आपकी मदर लोग घर में खाना बनाती होंगी, उसमें जो मसाले यूज़ होते हैं उन्हें स्पाइसेस कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से मसाले होते हैं और उनसे क्या फ़ायदा होता है। स्पाइसेस आर यूज्ड टू मेक आवर फूड टेस्टी एंड डिलीशियस। स्पाइसेस हमारे फूड को टेस्टी एंड डिलीशियस बनाते हैं। रीड द गिवन क्लूज एंड आइडेंटिफाई द स्पाइसेस। आपको यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं और आपको राइट स्पाइस आइडेंटिफाई करना है। ओके, फर्स्ट दिस स्पाइस इज नोन एज गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया। इस स्पाइस को हम गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग कट्स एंड ब्रूसेस। ये हमारे चोट और हमारे घाव को हील करने में, मतलब उसको ठीक करने में यूज़ होती है। दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी। दिस स्पाइस इज हॉट एंड गिव्स अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्लेवर टू द फूड। ये स्पाइस गर्म होती है और हमारे फूड को कड़वा फ्लेवर देती है। इट इज़ गुड फॉर पीपल विथ जॉइंट पेन। ये जो है, जो जिन लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत होती है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। दिस इज़ रेड चिली, मीन्स लाल मिर्च। नेक्स्ट, दिस स्पाइस इज़ यूज एज अ फ्लेवर एंड टू एड कलर टू स्वीट्स, राइस एंड मीट डिशेज। ये इस स्पाइस का यूज़ हम स्वीट्स, मीट डिशेज में और राइस में कलर करने के लिए और उसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर द हार्ट। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। दैट इज़ सेफ्रॉन, मीन्स केसर। फोर्थ, दीज आर लॉन्ग स्टिक्स। ये बहुत लंबी लकड़ी की तरह होती हैं। दैट जेंटली फ्लेवर द फूड और हमारे फूड को एक जेंटल फ्लेवर देती हैं। दे आर गुड फॉर हार्ट पेशेंट। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दैट इज सिनेमन, मीन्स दालचीनी। फिफ्थ, दीज आर ड्राइड फ्लावर बड्स दैट रिलीव टूथेक। ये फ्लावर बड्स की तरह होती हैं और ये हमारे दांत दर्द में हेल्प करती हैं, मतलब दांत दर्द को ठीक करने में। दैट इज़ क्लोव्स, मीन्स लॉन्ग। सिक्स, दिस सीड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक्स भी होती हैं विच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट कट्स एंड ब्रशेज। जो हमारे कट्स और ब्रशेज में, मतलब ठीक करने में उसकी, हम लोगों की हेल्प करती हैं। दैट इज़ क्यूमिन, मीन्स जीरा। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, सोइंग द सीड्स। बीजों को बोना। कल्टीवेशन इज़ एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कल्टीवेशन एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाई प्रिपेयरिंग द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। जिसमें हम एक लैंड को प्रिपेयर करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड नेम द प्लेसेस वेयर दीज प्लांट्स आर ग्रोन। आपको नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं जिनमें आपको एक जगह का नाम बताना है जहाँ पर वो क्रॉप्स होते हैं। नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, इसी की हेल्प से आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। अ ग्लास स्ट्रक्चर फॉर रेयरिंग प्लांट्स। एक ग्लास स्ट्रक्चर जहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ ग्रीन हाउस। सेकेंड, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स को बेचने के लिए ग्रो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ नर्सरी। थर्ड, अ गार्डन फॉर ग्रोइंग हर्ब्स एंड वेजिटेबल। एक ऐसा गार्डन जहाँ पे हर्ब्स और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ किचन गार्डन। अ फील्ड फॉर ग्रोइंग राइस। ऐसा फील्ड जहाँ पे राइस उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पैडी फील्ड। नेक्स्ट, अ ग्लास बिल्डिंग वेयर ऑरेंज ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा ग्लास बिल्डिंग, मतलब कांच की बिल्डिंग जहाँ पर ऑरेंज ट्रीज लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑरेंजरी। नेक्स्ट, एन स्टेट फॉर ग्रोइंग टी, कॉटन, टोबैको, शुगरकेन एक्सेट्रा। ऐसी जगह जहाँ पर कॉटन, टी, टोबैको एंड शुगरकेन होता है उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन।
नेक्स्ट अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास विच कैटल फील्ड फीड अपॉन, एक ऐसी जगह जो ग्रास से बनी होती है, मतलब जहाँ पे जो ग्रास से कवर होती है और वहाँ पे पशुओं को फीडिंग कराई जाती है, उसे क्या कहते हैं? पास्चर. ओके. एन एरिया ऑफ लैंड यूज बाई फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पर फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं? दैट इज फार्म. मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, क्रॉप्स इन इंडिया. मैच द स्टेट विद द क्रॉप्स ग्रोन देयर. रिमेंबर वन स्टेट कैन बी नोन फॉर ग्रोइंग मोर देन वन काइंड ऑफ क्रॉप. आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी हुई हैं और उनके सामने क्रॉप्स, आपको बताना है कौन सी स्टेट किस क्रॉप्स के लिए फेमस है, आपको करेक्टली मैच करना है. फर्स्ट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल किसके लिए फेमस है? जूट, टी एंड राइस. सेकंड उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश फॉर शुगर केन एंड वीट. केरला, फर्स्ट रबर एंड सेकंड स्पाइसेस. आसाम फेमस फॉर टी. महाराष्ट्र, फर्स्ट शुगर केन, ऑरेंजेस एंड कॉटन. मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, नट्स फॉर गुड हेल्थ. नट्स आर वेरी हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी. नट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. दे आर गुड फॉर पीपल विद हार्ट डिसीजेज, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं. ईट नट्स एवरी डे कीप्स द स्किन एंड हेयर हेल्दी. नट्स डेली खाने से हमारी स्किन और हेयर हेल्दी रहते हैं. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नट्स, आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनके थ्रू आपको सही नट्स आइडेंटिफाई करना है. दिस किडनी शेप नट्स आर पॉपुलर स्नैक्स, ये किडनी शेप का नट बहुत ही पॉपुलर स्नैक्स भी है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ दीज नट्स, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इंडिया जो है बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर भी है इन नट्स का. दे आर मोस्टली प्रोड्यूस इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु एंड द नॉर्थ ईस्ट. कौन से नट्स होते हैं वो? कैश्यू मीन्स काजू. नेक्स्ट, दीज नट्स आर गुड फॉर द हार्ट, हेयर एंड स्किन, ये नट्स जो हैं हार्ट्स के लिए, हेयर के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. दे ग्रो इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ये इन जगहों के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं. दिस इज आलमंड मीन्स बादाम. थर्ड, दिस नट इज गुड फॉर दोज विथ हार्ट प्रॉब्लम्स, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं. इट इज़ फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. दीज आर वॉलनट मीन्स अखरोट. फोर्थ, ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ग्रीन कलर नट, ईरान में ये ग्रीन कलर के नट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इट इज़ ऑफन एडेड इन द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में भी होते हैं. इट प्रिवेंट्स कैंसर, ये कैंसर को रोकते हैं. दीज आर स्टैच्यू मीन्स पिस्ता. फिफ्थ, दीज नट्स आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये नट्स हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. दे आर क्रंची एंड हैव स्पेशल फ्लेवर, ये क्रंची होते हैं और इनके पास स्पेशल फ्लेवर होता है. दे आर गुड फॉर पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं. टर्की इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज नट्स, ये नट्स कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा? टर्की में. दैट इज़ हेज़ल नट. मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्लांट हीलर्स. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट्स एकम्पनीड बाई इंफॉर्मेशन अबाउट देम. रिकोगनाइज देम एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज. आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स की पिक्चर दी हुई है और उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको पढ़ के आपको वो कौन सा प्लांट है ये वहाँ पे लिखना है. और नीचे एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आपको सही प्लांट का नाम
पहचानना है। आई एम द किंग ऑफ हर्ब्स, आई एम द सेक्रेट प्लांट, आई हेल्प इन क्यूरिंग कोल्ड। ये किंग ऑफ हर्ब्स भी होता है और ये एक पवित्र पौधा है, मतलब धार्मिक पौधा है ये, इसकी पूजा भी होती है। और ये कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कोल्ड को ठीक करता है। दैट इज़ बेसल, मीन्स तुलसी। माई लीव्स आर बिटर, माई ऑयल इज़ एन एक्सलेंट एंटीबायोटिक। इसकी पत्तियाँ कड़वी होती हैं, मतलब लीव्स कड़वी होती हैं, और ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है इसका ऑयल, दैट इज़ नीम। माई बिटर फ्लेवर्ड सीड्स एंड लीव्स हेल्प इन डाइजेशन। इसकी कड़वी बीज और लीव्स डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फेनुग्रीक मीन्स मेथी। नेक्स्ट, माई ऑयल इज एन एक्सपेंसिव परफ्यूम, द पेस्ट ऑफ माई वुड इज़ गुड फॉर एक्ने एंड पिम्पल। इसका ऑयल बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उससे परफ्यूम बनता है, और ये एक्ने और पिम्पल के लिए इसका पेस्ट बहुत अच्छा होता है। दैट इज सैंडल। माई फ्रूट इज़ फुल ऑफ फाइबर, आई ग्रो इन कोस्टल रीजन्स, ऑयल्स फ्रॉम माई फ्रूट इज़ एडिबल एंड इज़ एन एक्सीलेंट बॉडी कंडीशनर। इसका फ्रूट फुल ऑफ फाइबर होता है, मतलब फाइबर से भरा हुआ होता है, और ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका ऑयल बॉडी बहुत अच्छा बॉडी कंडीशनर होता है। दैट इज़ कोकोनट। वी आर यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन सांभर एंड रसम एंड ऑल्सो अ गुड इंसेक्ट रेपलेंट। ये सांभर और रसम रेसिपीज़ के लिए, मतलब उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है, और इससे एंटीबायोटिक क्रीम्स भी बनती हैं। दैट इज़ करी लीव्स। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, मोर अबाउट प्लांट्स। रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लूज आर गिवन इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनसे आप सही प्लांट पहचानना है और यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट, डैश इज ग्रोन मेनली इन द अरेबियन कंट्रीज। ये मेनली अरेबियन कंट्रीज में होता है। इट बियर्स गोल्डन ब्राउन फ्रूट्स दैट आर वेरी स्वीट। और इसके फ्रूट्स गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, जो बहुत ही मीठे होते हैं। दैट इज डेट पाम। नेक्स्ट, इज अ काइंड ऑफ ग्रास दैट ग्रोज वेरी फास्ट। ये एक तरह की घास होती है जो बहुत ही फास्ट होती है, मतलब बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। इट इज़ द फेवरेट फूड ऑफ पांडास। ये पांडास का फेवरेट फ्रूट भी होता है। दैट इज बैम्बू। नेक्स्ट, आर माइन्यूट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन। ये एक तरह के फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओशियंस, सीज, पॉन्ड्स एंड लेक्स। दैट इज प्लैंकटन। फोर्थ, द थिक एंड स्पाइनी लीव्स ऑफ द डैश ट्री मेक्स इट इज डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब इवन फॉर अ मंकी। ये एक मोटी और स्पाइनी लीव्स होती हैं, जो मंकीज को भी चढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट होती हैं। दैट इज़ मंकी पजल। फिफ्थ, डैश इज़ अ वेरी जूसी स्टिक। व्हेन मैच्योर्ड शुगर एंड जेगरी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स जूस। ये बहुत ही जूसी स्टिक्स होती हैं, जिनसे क्या बनता है? शुगर, जेगरी एंड उससे जूस भी बनता है, इसे क्या कहते हैं? शुगर केन। सिक्स, द लॉन्गेस्ट लीव्स बिलोंग टू द डैश प्लांट्स। सबसे लंबी पत्तियां इस प्लांट्स की होती हैं, कौन सा होता है वो? रफिया पाम। नेक्स्ट, डैश इज अ प्लांट दैट इज यूजली फाउंड नियर द सी। ये एक ऐसा प्लांट्स होता है जो सी के पास होता है। दैट इज कोकोनट पाम। नेक्स्ट, क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस ऑफ द डैश ट्री। किस पेड़ से क्रिकेट बैट्स बनते हैं? दैट इज विलो। नेक्स्ट, डैश इज एन एडिबल फंगस। इट हैज नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। ये एक तरह का फंगस होता है जो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। दैट इज़ मशरूम।
नेक्स्ट डैश आर द ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट्स ऑन द अर्थ, सबसे पुराना लिविंग प्लांट्स धरती पर कौन सा होता है अर्थ पे, दैट इज फर्न्स। डैट्स एनफ फॉर टुडे, आज का वर्क आपका कंप्लीट है। आपको ये सारा वर्क बुक में फिल करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। थैंक यू।